फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको जुमा मुबारक। तो आज मैं बड़े एक्साइटेड हूँ मगर अंदर से बहुत डरी हुई हूँ। आपने दो दिन पहले मेरा ब्लॉग देखा होगा कि मैं आयान का वो था क्या 30 तारीख को रिजल्ट है और सच्ची में था मगर उस दिन निकला ही नहीं और आज फाइनली आयान का रिजल्ट है। आज है 2 तारीख तो आज आयान का रिजल्ट है, 1 बजे निकलेगा ऑनलाइन। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं अपना डर छुपाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट जो मेरा दिख रहा है ना, तो जोश, वो जोश नहीं है, वो अंदर से डर है, ठीक है। और हर माँ बाप को होगा जो जिनके भी बच्चे 10th में होंगे उनके रिजल्ट। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे, देखो बच्चों ने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब वो उतना ही लिख पाते हैं ना जितना उनको याद रहेगा, ठीक है। मेरी तरफ से या मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे बच्चों को कभी कोई प्रेशर नहीं रहा है पढ़ाई का, रहा है अमीना? नहीं रहा ना। जो जैसा भी रिजल्ट रहेगा हम फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई गलत हुआ तो रिजल्ट, है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से इतनी तो मेहनत किया है यानी कि वो पास हो जाएगा, मेरे को परसेंटेज से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो बच्चों में खुद में रहना चाहिए कि हम इतने परसेंटेज लाएंगे, हम ये सब्जेक्ट चूज करना है, हमको इस कॉलेज में जाना है, तो हमें इतना टारगेट एक रखना चाहिए बच्चों को। पर मैं बस बोलती हूँ तुम पास हो जाओ बेटा, पास हो जाओ, बस कामयाबी की तरफ जाओ। क्यों छता रहा है दादी को? तो ये भैया को देखो अपना डर दादी को सता के निकाल रहा है अंदर से, वो भी हो रहा है नर्वस। और सीट नंबर सब उसके फ्रेंड वगैरह पूछ रहे हैं मगर उसको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है यार? इधर आ, अजान हो रही, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती, आप लोग तो मेरा व्लॉग नहीं देखते हो, कोई नहीं देखता है मेरा व्लॉग, मेरी सिर्फ जो मतलब मेरे रिलेटिव्स और बस उन्हीं लोग देखते हैं, और कुछ मेरी एक दो पाकिस्तानी बहनें हैं जो हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था तो वो लोग देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी भी आती है। लाइव विद हिजाब सिस्टर, शमीम सिस्टर, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड दुआ फॉर यू गाइज। और आप लोगों को एक दो जो आप लोग देखते हैं ना, मुझे, मैं भी आप लोगों को देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट ना करूँ तो ये मत समझना कि मैं नहीं देखती हूँ। मैं वक्त मिलने से मैं सबको देखती हूँ। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, मैं अपना व्लॉग बनाना छोड़ के ना सारे व्लॉग्स देखती हूँ। हाँ, मैं सबको कमेंट नहीं कर पाती हूँ बस, और कुछ नहीं, मगर ये मत समझना कि मैं नहीं देखती हूँ। तो चलिए फिर, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा एक बार और टेलीग्राम में जाती हूँ, शिपिंग कंपनी का कुछ आया है क्या मैसेज, क्योंकि उनको एड्रेस देना पड़ेगा। और फिर आप लोगों से मिलती हूँ नमाज के बाद, और आयान का रिजल्ट आ जाएगा ना तो वो भी आप लोगों से खुशखबरी शेयर करना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आयान पास हो गया, परसेंटेज नहीं बताऊंगी, थोड़े कम है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया है। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह का लाख लाख एहसान है और बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अमीना को कितनी खुशी है भाई की? बहुत ज्यादा ही खुशी है। फूई को भी पता चल गया, अभी मैं पहले इसके पापा, बड़े पापा को बताऊंगी, अभी नमाज पढ़ रहे ना उन लोग तो फोन नहीं उठा रहे, फिर मैं सबको फिर फोन लगाऊंगी, ठीक है। मिलती हूँ आपको मिठाई के साथ, इसके बाद मिठाई लाएंगे ना जब आप लोगों से मिलूंगी। तो फ्रेंड्स, हो गई है शाम और देखो कौन आया है, इनसे नवासे की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई तो ये भाग गया है। मेरे नादी को मिला दो, और अम्मी आदी कर रहे थे, तेरी मम्मी को बुला, तेरी मम्मी को बुला, तो मैंने नहीं बुलाई, वो खुद ही शाम को सरप्राइज दिया आके। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ आज बन रहा है गोश्त का सालन, रोटी चावल, और ओ भी बनाना था तंदूरी, मगर है ना अभी दही नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं बना रही हूँ। हाँ कड़ी भी है दोपहर की, तुम लोग खाना? नहीं लूंगी, घर चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं लूंगी। तो अभी आ रहे नरगिस और अलीम भाई कढ़ाई से लेकर, कढ़ाई से, और बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल। मिठाई आ चुकी है, मैंने आप लोग को दिखाई नहीं, मैं सो के उठी, मैं सो गई थी जब इसके पापा आए थे। नहीं खाना नहीं, नहीं ऐसी मिठाई खाने आ रहे बस, तो मिठाई खाने आएंगे अलीम भाई लोग, और मेरे को भी जाना है उनके घर। नरगिस की जूली ने भी 2 बच्चे दिए म्याऊ के, उनका भी मिठाई खाने जाना है मेरे को, ला के रखे अलीम भाई ने 2 दिन से, मगर मैं गई नहीं हूँ तो बोल रहे आएंगे नहीं तो मिलेंगे नहीं,
तो मैं वो यहाँ आएंगे या तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊंगी चार्ज वॉक करते हुए। तो चलिए मिलती हूँ आपको खाने में। अभी भाई आ जाते, भाई का वेट कर रहे, मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, मैंने अभी खाया मगरिब के पहले कढ़ी और चावल, तो आराम से खाऊंगी इसे पापा आएंगे जब। मगर भाई आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी खाना, मैंने गोश्त का सालन बड़े जल्दबाजी में बनाया, बर्तन धोते धोते दिखाऊंगी आपको, रेसिपी नहीं शेयर किया मैंने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, कल का व्लॉग मैंने कंप्लीट नहीं किया था और अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग फ्रेश हो गए। गर्मी है ना तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। अमीना कॉल, और राजा यान भाई के पास सोने चले गया था क्योंकि भाभी नहीं है ना, तो बच्चे लोग रहते हैं तो भाई को अच्छा लगता है। कैफ उमारे लोग जगते भाई के साथ, और अभी कोई नहीं है ना तो भाई को अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलते हैं यान तू चल। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल मम्मी आ गए थे, फिर नरगिस आ गई थी ना, तो इस वजह से हमने व्लॉग और आगे नहीं बढ़ाया। थोड़ा सा गमेला बाहर गया। आज क्या बनेगा नाश्ते में? कीमा बनेगा, और आपको मैं उसका रेसिपी शेयर करूंगी कीमा बनाऊंगी तो, ठीक है? नो नो नो, प्लीज डोंट कम। और मैम को यहाँ आना एंट्री अलाउड नहीं है ना, वो पीओ को मारता है इस वजह से। तो चलिए चाय बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ के हाल देखिए, आइसक्रीम खाए थे हम लोगों ने रात को, खाना नहीं खाया है, बस ये ऐसे ढेर दिख रहा है, ये आइसक्रीम का ढेर है। खाना से भी कुकर, और ये तो बेवजह ही धुलने गया है, पता नहीं क्यों। खैर ये धुले बर्तन है, चलिए यहाँ सालन है गरम करते हैं, थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, और यही अभी दोपहर में भी चल जाएगा हम लोगों को, सिर्फ नाश्ता बनाना है। हेलो पियू, पियू गुड मॉर्निंग, पिया बेबी, ए पियू, ये एनाबेला बना है, इसने मुझे कल मारा है। एनाबेला ले, ये ले आ मेरी जान, इसका नाम मैंने कल से एनाबेला रख दी हूँ। बकरी है, दो बाल भी आ गई है, और यहाँ भी न्यूज में देख रहे हैं ओडिशा की ट्रेन पलट गई है, ओडिशा में ट्रेन पलट गई है, सुबह सुबह बैड न्यूज मिली है ना जी। मलाई खाओ, थोड़े से कपड़े अल्टर के, अमीना का बैग पैक हो गया है, जाना है नानी के घर हम लोगों को। घर आज क्लीन है थोड़ा, अभी हुआ नहीं है क्लीनिंग, मगर ठीक है, अभी करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कपड़े सारे एडजस्ट कर रही हूँ कैसे भी करके। अभी आ रही है चाय, और ये जाएंगे तो सब खत्म हो गया था, तो सोस लेने जाएंगे, देखते क्या लाते हैं, कुछ नया लाना, तेज वाला चिप्स मत लाना, कुछ और लाना लाया। तो ये आ गया अम्मी का हल्के फुल्के में टोस्ट, बिंगो हैशटैग, और ये कुरकुरे का ट्विस्ट जो कि 10 रुपए में बिल्कुल इतना सा आया, इतना सा, ये हाथ दिख रहे मेरा, इतनी क्वांटिटी दिख रहा। अभी अम्मी ने चाय ला रही, मैं चढ़ा के आ गई थी, एंजॉय करते हैं, ये फर्स्ट टाइम ले बिंगो। बाबू आप हमसे गुस्सा हो क्या? महा बहुत जिद करने लग गए। लो आ गई चाय, आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पीने के लिए। बोलो कहाँ खाएंगे मामा? इधर देखो टांग खाते आप, मेरी जान, मम्मी की प्यारी वाली जान, मेरा गोलू कहाँ खाएगा? ये तो पापा को प्यारी करो, पापा का, अरे बाबा, अरे बाबा,
अच्छा पापा काट के दिखाओ। डोली पापा काट काट के दिखाओ यहाँ पे। मेरी जान मंग मंग के थक गया, अभी ला लिया पी, अभी ला लिया पी। खाना पीना हो गया, आम खा रहे हैं। ये लोग क्रिकेट की तैयारी चल रही है। जी मेरा गोला शोया, छोटा सा गोला शोया है ना मामा, प्यारे महा नींद आई है मेरे महम को, मेरा पास होया बाथरूम के बाहर। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आउटिंग के लिए, थोड़ा सा घूम के आती हूँ, ना नींद नींद जैसा लग रहा है, और हेयर कलर भी लेकर आती हूँ। मिलता है नहीं तो फिर लॉरियल का ही लेना पड़ेगा। और आपको मेरी आंखें दिख रही होगी ना, मेरे को ना बहुत अजीब सा लग रहा है, नींद ही आ रही है, सोऊंगी नहीं तो मेरे को बीमार हो जाऊंगी, मतलब उल्टी जैसा लगने लगा है मुझे। और बस मैं तो बहुत देर से तैयार बैठी हूँ, इनको तैयार होना है। क्या बोल रहे हाँ, चलिए फिर मिलती हूँ आपको बाहर, जहाँ भी जा रही हूँ, जो भी करूँगी आपके लिए ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि कल का ये ब्लॉग है और आज मुझे कंप्लीट करना है इस ब्लॉग को। आज रात में ये ब्लॉग अपलोड किया जाएगा। ओके, कल तो मैंने अमीना को उपमे की रेसिपी डाल दी थी, कैसी लगी आप लोगों को बताना मुझे कमेंट। एक ही आया है बेचारे, वो क्या नाम था उनका, जाफर नगर से, मेरी बहन का फोन आ रहा है। मम्मी हम तो आइसक्रीम खाने जा रहे, वो बेचारी बेचारी उसकी लाश क्यों छुपा रही थी गुड़िया की, ये बता। मैं बता रही हूँ पापा को, देखो नवेद भाई ये है ना, ये आपकी बेटी अच्छी खासी गुड़िया लोगों की ऐसी की तैसी कर दी। टांग मुंडी, अच्छा नहीं नहीं टांग तो निकलती नहीं, तो बच गए हाथ, मुंडी सब तोड़ फोड़ के रख दिए, बाल भी निकल गए, मुंडी नहीं। अरे यार हम लोग आए घर में फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया नहीं, शोरमा लेकर आए थे वहाँ अम्मी के लिए, भेल और सेवपुरी लाए थे, और सेल से हमने देखो ये लेकर आए, इससे आप नहा भी सकते हैं, इससे आप बर्तन भी धो सकते हैं। और ये टिश्यू है, बहुत दिनों से नहीं लाई थी मैंने, और ये अमीना और रैया ने ना कचरे वाले को गिफ्ट में दे दिए थे नया कि नया, इसलिए वो भी लेकर आना पड़ा। और ये प्लेटें ख़त्म हो गई थी, कैसे दिखाऊं, हाँ ये प्लेटें ख़त्म हो गई थी ना, टूट गई सारी, मेरी बेटी है ना जमाते जमाते पटक डालती है कुछ, बाकी का सर अम्मी ही कर देते, एक निकालते चार गिरा देते, तो ये ऐसी वाली प्लेटें ना टूट टूट के ख़त्म हो गई सारी। तो ये लेकर आई हूँ छः, और ये तीन प्यारे प्यारे से मुन्ने मुन्ने से ये लाई हूँ क्या चम्मच, एक है ये ऐसा वाला भी चम्मच है ना, मेरी बेटी या बेटा में से किसी ने है ना आइसक्रीम निकालते हैं हम लोग इससे फैमिली पैक, तो वो कचरे में डाल दिए। और ये मेरे को ना बड़ा प्यारा सा लगा, तो मैंने बोली चल ले लेते हैं, पता नहीं भी किस काम में आएगा, मेरे पास तो है बड़ा। और ये मैंने तेल की केतली में डालने के लिए लेकर आई, नाप अच्छा रहता है इससे। और एक है ना ये लेकर आई हूँ बघार डालने का, अच्छा हैवी, इससे पहले लाइट लाई थी 20 रुपये का, तो वो है ना हैंडल ही निकल गया, इस बार अच्छा है, ये 120 का है, इस बार 100 रुपये 20 रुपये में 100 रुपये लगा के लेकर आई, पहले सिर्फ 20 रुपये का लाई थी। गलती क्या हो गई, वो गर्म हो जाएगा ना। हाँ ये तो नहीं होता अम्मी, हा? ये स्लो में ऐसा गैस पे रहता ना, ये इतना ही गर्म होता, फुल में रखोगे बाहर आज आते हुए तो ये गर्म होगा, मीडियम फ्लेम में सिर्फ इतना ही गर्म होता, ये नहीं होता, वो भी था ना हैंडल।
और बच्चों के लिए शॉर्मा लेकर आए। अमीना बहुत दिन से बोल रही थी बस इतनी खरीदी करे, कुछ और नहीं लिए फ्रेंड्स। और क्या बोलूँ आपको, हाँ गई थी मैं हेयर कलर लेने के लिए, पर अब वो बुलबेन से मंगा लूँगी मैं, वो इतवार ही जाएंगे ना वहाँ से ले आएंगे, उनके लिए भी ला लेंगे मेरे लिए भी ला लेंगे। तो चलिए ये था मेरा कल से आज तक का रूटीन, क्या बोलना चाहिए, दो दिन का इकट्ठा व्लॉग आ गया क्योंकि कल मैंने आधे टाइम से बनाया नहीं था। और क्या बोलूँ, तो कल ना मुझे जो मैंने उपमा वाला डाली ना उस पर मेरे को एक कमेंट आया, मैं उनका नाम याद करके बताऊँगी, वो जाफरनगर से ही है सिस्टर, तो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया और मुझसे पूछा भी कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं ABS फिटनेस की लाइन में रहती हूँ इतना बता देती हूँ, जाफरनगर में ABS फिटनेस की लाइन में रहती हूँ। हाँ नहीं, वो भी जाफरनगर में रहते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं ABS फिटनेस की लाइन में रहती हूँ, आप कहाँ रहते हैं आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैंने पूछा भी आपसे। और कैसी लगी आपको मेरी बेटी की रेसिपी, और जिसने भी व्यू किया है प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने लिखा था मेरी बेटी को इनकरेजमेंट मिलेगा, यार बेचारी इतनी मेहनत करती है तो उसको भी ऐसा लगेगा ना, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी, कभी मैं व्लॉग ना बनाऊँ तो वो बना लेगी ना, अच्छा लगेगा मुझे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए जल्दी से जल्दी यार, 500 तो भी कर लो है ना, 400 कुछ बने हैं, मतलब 410 भी नहीं है, प्लीज़ 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 500 तो भी कर दो प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग, कमेंट कीजिए, फुल व्यू कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि मेरे ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।